हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप क्लास ट्वेल्थ। टुडे वी विल रीड द सेकेंड चैप्टर ऑफ इंग्लिश प्रोज, द फेलो ट्रेवलर। इट इज़ अ पर्सनल एसे ऑफ एजी गार्डनर। इन दिस एसे द आथर डेवलप्स अ फीलिंग ऑफ अफेक्शन फॉर अ मॉस्किटो। ही रिगार्ड्स हिम एज अ फेलो ट्रेवलर। द आथर वॉज ट्रेवलिंग इन अ नाइट ट्रेन व्हेन ऑल द ट्रेवलर्स लेफ्ट द कंपार्टमेंट। अ मॉस्किटो केम टू ट्रबल हिम। द आथर ट्राइड टू किल हिम but he could not succeed. After many unsuccessful attempts, the author finally accepted the mosquito as a friendly fellow traveler. प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग प्रोज का सेकेंड लेसन द फेलो ट्रेवलर पढ़ेंगे। यह एजी गार्डनर का पर्सनल एसे यानी कि व्यक्तिगत निबंध है। इस एसे में लेखक मच्छर के प्रति स्नेह की भावना उत्पन्न करते हैं। वह उसे सहयात्री मानते हैं। लेखक एक रात्रि की ट्रेन से यात्रा कर रहे थे जब सारे यात्री ट्रेन के डब्बे से नीचे उतर गए तो एक मच्छर उन्हें तंग करने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए आ गया। लेखक ने उसे मारना चाहा लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। कई असफल प्रयासों के बाद लेखक ने उसे अपना सहयात्री बना लिया। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि इस एसे में लेखक एजी गार्डनर वास्तव में क्या कह रहे हैं। ओके, आई डू नॉट नो व्हिच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरिज फर्स्ट। लेखक कह रहे हैं कि आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता कि Which of us got into the carriage first? कि हम में से रेल के डिब्बे में पहले प्रवेश कौन किया। Indeed, वास्तव में I did not know he was in the carriage at all for some time. तो लिखे करें, मुझे यह भी नहीं मालूम कि शायद वह ट्रेन के डिब्बे में पहले से ही मौजूद रहा हो। It was the last train from London to Midland town. यह लंदन से मिडलैंड टाउन को जाने वाली अंतिम ट्रेन थी। और ट्रेन कैसी थी? इट वॉज अ स्टॉपिंग ट्रेन। यह प्रत्येक स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेन थी। एन इनफाइनाइटली लेजरली ट्रेन, अत्यंत धीमी चलने वाली ट्रेन थी। यह वेरी स्लो मूविंग ट्रेन थी। वन ऑफ दोज ट्रेन विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी। यह एक ऐसी ट्रेन थी जो कि हमें अनंत समय का ज्ञान कराती थी। इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड। जब यह लंदन से स्टार्ट हुई थी, चलना शुरू हुई थी, तब यह टॉलरेबली फुल पूरी तरह से भरी हुई थी, खचाखच भरी हुई थी। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सब अर्बन स्टेशंस द ट्रेवलर्स एलाइटेड इन वंस आर टूज। लेकिन जब हम लोग सब अर्बन स्टेशन पे पहुँचे, शहर को पार करके जो छोटे छोटे स्टेशन आते हैं वो सब अर्बन स्टेशन हैं। लेखक कह रहे हैं कि जब हम लोग सब अर्बन स्टेशन पर पहुँचे, कस्बे वाले स्टेशन पे पहुँचे, तो जो यात्री थे वो वंस आर टूज, एक एक करके, दो दो करके सब नीचे उतर गए। एंड बाय द टाइम वी हैड रीच द आउटर रिंग ऑफ लंडन बिहाइंड आई वॉज एलोन और Rather I thought I was alone। तो लेखक कह रहे हैं कि जब वो शहर के बाहर वाले स्टेशनों पे पहुँचे तो एक एक या दो दो करके सारे पैसेंजर उतर गए। अब लेखक कह रहे हैं कि उन सब के उतर जाने के बाद, by the time we had left the outer ring of London behind, जब हम लोगों ने लंदन का बाहरी सीमा को पार कर लिए, आउटर रिंग को मीन्स बाहरी सीमा को पार कर लिए, देन आई वॉज एलोन, तब मैं पूरे डब्बे में अकेला था। आर अथवा रादर आई थाट आई वॉज एलोन, कह रहे हैं कि या तो मैं अकेला था या मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं अकेला हूँ। शायद कोई और भी हो सकता है लेकिन लेखक को उस समय नहीं कोई मिला। देयर इज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बींग एलोन इन ए कैरेज दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट।
लेखक कह रहे हैं कि एक प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम होता है, एक स्वतंत्रता की अनुभूति, सुख ही स्वतंत्रता की एक अच्छी अनुभूति होती है, प्लीजेंट सेंस होता है जब हम एक ऐसी ट्रेन में चल रहे हों जो कि रात में शोर मचाती हुई और जॉल्टिंग ट्रेन हो, झटके खाते हुए चलती हुई हो। तो ऐसी ट्रेन में अगर हम यात्रा करते हैं और वो भी अगर अकेले हैं तो इससे एक बहुत ही अच्छे आनंद की अनुभूति होती है। तो आनंद की अनुभूति होती है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एक आदमी अगर अकेले ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है तो कौन कौन सी चीज़ों को वह इन्जॉय कर सकता है, वो लेखक आगे बता रहे हैं। इट इज़ लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेन इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म। कह रहे हैं कि अगर हम अकेले चल रहे हों तो अकेले होने में स्वतंत्रता का सुखद आभास होता है और हर तरह की लिबर्टी होती है, स्वतंत्रता होती है, अनरिस्ट्रेंट होता है, कोई भी उसमें रुकावट पैदा करने वाला नहीं होता है। एंड वेरी एग्रीएबल फॉर्म, एग्रीएबल मीन्स हम जैसे चाहें, हमारी जैसी मर्जी है उस तरह से हम वहाँ पर यात्रा कर सकते हैं। यू कैन डू एनी थिंग यू लाइक, यानी कि अगर आप अकेले यात्रा कर रहे हो तो आप ट्रेन के डब्बे में जो आप चाहें वो कर सकते हैं। यू कैन टॉक योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज एंड नो वन विल हियर यू। लेकिन करें कि आप ट्रेन के डब्बे में अगर अकेले हैं तो आप खुद से, यू कैन टॉक योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज एंड नो वन विल हियर। करें कि आप अकेले यात्रा कर रहे हैं तो आप खुद से जितनी तेज़ी से हो सकता है जोर जोर से खुद से बातें कर सकते हैं और आपको सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं होगा। You can have that argument with Jones, enroll him tempathly in the dust without fear of counter stroke. तो लेकर कह रहे हैं कि आप जॉन से भी argument कर सकते हैं, उससे बहस कर सकते हैं और उसको ज़मीन पे लिटा सकते हैं, उसको धूल चटा सकते हैं और आपको कोई भी काउंटर स्ट्रोक का, अपोजिट साइड से किसी भी तरह के प्रहार का खतरा नहीं होगा। हम उसको पंच मार के नीचे गिरा सकते हैं लेकिन उसके द्वारा मेरे ऊपर कोई प्रहार किया जाए इस तरह का कोई खतरा नहीं होगा। यहाँ जो लेखक जॉन का नाम लिखे हैं, जॉन इज़ एन इमेजिनरी कैरेक्टर, एक यहाँ पर काल्पनिक कैरेक्टर है जिसको यहाँ पर इन्होंने रखा है। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू। लेखक कह रहे हैं कि आप अपने सर के बल खड़े हो सकते हैं और कोई भी आपको वहाँ देखने वाला नहीं होगा, कोई भी वहाँ आपको नहीं देखेगा। यू कैन सिंग आर डांस आर टू स्टेप आर प्रैक्टिस गोल स्ट्रोक आर प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर विदाउट लेट हिंड्रेंस। लेखक कह रहे हैं यू कैन सिंग, आप गाना भी गा सकते हैं। यू आर डांस वन आर टू स्टेप, एक या दो स्टेप आप डांस भी कर सकते हो। प्रैक्टिस आप गोल्फ की प्रैक्टिस भी आप वहाँ कर सकते हैं, आप वहाँ मार्बल भी फ्लोर पर मार्बल कंचे खेल सकते हैं विदाउट लेट आर हिंड्रेंस, वहाँ पर किसी भी तरह की रुकावट नहीं होगी, कोई भी आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, कोई भी आपको टोकने वाला नहीं होगा। इस तरह से आप गाना भी गा सकते हैं, एक दो स्टेप डांस कर सकते हैं, गोल्फ खेलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कंचे भी फ्लोर पर खेल सकते हैं और वहाँ रुकावट किसी तरह की नहीं होगी। You can open the window or shut it without provoking a provost. आप जो ट्रेन के डब्बे की खिड़कियाँ होती हैं उनको आप खोलिए या बंद कीजिए, कोई भी आपका विरोध करने वाला वहाँ पर नहीं होगा, आपको कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा कि आप खिड़की खोलिए या बंद कीजिए, ऐसा करने वाला वहाँ कोई नहीं होगा, ना तो कोई डिस्टर्ब करने वाला होगा। You can open both window or shut both. आप चाहें तो दोनों विंडो को खुला रखें चाहे दोनों विंडो को बंद रखें। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड सेटिंग देम एज ए सार्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम। तो आप चाहें तो एक को बंद करें, दूसरे को खोलें, फिर दूसरे को बंद करें, पहले वाले को खोलें, ऐसा आप बार बार कर सकते हैं और इस तरह से आपको जो स्वतंत्रता मिली हुई है अकेले चलने की उसका आनंद ले सकते हैं, उसको इंजॉय कर सकते हैं। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न।
आप डब्बे में जिस जगह चाहें उस जगह बैठ सकते हैं, जिस कोने पे बैठ करके ये आजमाना चाहें कि कहाँ बैठकर हमें अच्छा लगेगा, कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ मर्जी आप वहाँ बैठिए, सारे कोने को बारी बारी से आजमाइए। आप उसके लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं क्योंकि आप अकेले चल रहे हैं। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशंस एंड एन्जॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस एंड पॉसिबली द हर्ट ऑफ डोरा हर्सेल्फ। लिख के कह रहे हैं कि आप कुशन पर बैठ करके, कुशन का मतलब ट्रेन के डब्बे में जो सीट है, अपने सीट पर बैठ करके आप बड़े बड़े झूठ भी बोल सकते हैं, लंबे लंबे झूठ बोल सकते हैं, और कोई भी वहाँ पे आपको सुनने वाला नहीं है। और आप जो ला है, जो नियम है, जो कानून है, उनको भी वहाँ रह करके, अकेले रह करके तोड़ सकते हैं। एंड इन्जॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन, यानी कि वहाँ पे आप जो रूल रेगुलेशंस हैं, नियम कानून हैं, उनका भी उल्लंघन कर सकते हैं, नियम कानून तोड़ सकते हैं। पॉसिबली द हर्ट ऑफ डोरा, कह रहे हैं कि जो डोरा है, डिफेंस ऑफ रिम एक्ट, फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटेन में एक स्पेशल रूल बनाया गया था लोगों के लिए, तो बहुत सख्त कानून था डोरा, डिफेंस ऑफ रिम एक्ट। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि आप इवन डोरा का भी उल्लंघन कर सकते हैं, डोरा का भी हृदय तोड़ सकते हैं। हृदय तोड़ने का मतलब उसके उल्लंघन से, उसका उल्लंघन कर सकते हैं। वनली डोरा विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, और डोरा को भी पता नहीं चलेगा, डिफेंस ऑफ रिम एक्ट का जो कानून है उसको भी नहीं पता चलेगा कि उसके हृदय को तोड़ा गया है, उसका उल्लंघन किया गया है। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, आप इस जो सबसे सख्त कानून उस समय था डोरा, उससे भी आप बच सकते हैं, उसका उल्लंघन भी कर सकते हैं, उससे आप बच सकते हैं। आपको कोई भी सजा होने वाली नहीं है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता चलेगा कि आपने डोरा का उल्लंघन किया है, इस नियम को आपने तोड़ा है। ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। लेकर कह रहे हैं कि स्वतंत्रता तो बहुत सारी है ट्रेन के डब्बे में अकेले चलने पर, चाहे वहाँ डांस करें, गाना गाएं, जान को पंच मार करके धूल चटा दें, कंचे खेलें, खिड़की खोलें बंद करें, कहीं भी जाकर बैठें, सारी स्वतंत्रता थी। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि ऑन दिस नाइट, उस रात को, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, मैंने इन सभी चीज़ों में से कुछ भी नहीं किया। तो किए क्या, ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया उस दिन, दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी। लेखक कह रहे हैं कि यह बात मेरे मन में आई ही नहीं, मेरे दिमाग में यह बात नहीं आई कि हम ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो अकेले ट्रेन के डब्बे में यात्रा कर रहा हूँ। व्हाट आई डिड, जो मैंने किया, वाज मच मोर ऑर्डिनरी। तो लेखक कह रहे हैं कि जो मैंने किया वह बहुत ही साधारण था, कोई स्पेशल काम नहीं किया। When the last of my fellow passengers had gone, I put down my paper, stretched my arm and my legs, stood up and looked out of window on the calm summer night through which I was journeying. Nothing the palpitations of the day that is still lingering in the northern sky crossed the carriage and looked out of the other window, lit a cigarette, sat down and began to read again. चलिए, ये बहुत लंबी लाइन हो गई है, फिर भी देख। लेखक कह रहे हैं कि मैंने बहुत खास कुछ नहीं किया उस रात, कि ये क्या है, द लास्ट पैसेंजर्स हैड गॉन। लेखक कह रहे हैं कि जब इनका, इनके साथ चलने वाला अंतिम यात्री भी उतर गया, आई पुट डाउन माई पेपर, तब मैंने अपना जो पेपर था, जो पेपर पढ़ रहे थे, न्यूज पेपर ले थे पढ़ रहे थे, उसको उन्होंने नीचे रख दिया। स्ट्रेच माई आर्म एंड लेग, मैंने अपने हाथ और पैर को स्ट्रेच किया, उसको फैलाया। स्टूड अप, खड़ा हो गया। लुकड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर इन्होंने देखा, लिखे कर मैं खिड़की के बाहर देखा। ऑन द काम समर नाइट, उस बिल्कुल शांत रात को, खिड़की से बाहर देख रहे हैं, रात बिल्कुल शांत थी। थ्रू विच आई वॉज जर्निंग,
जिस रात को वो यात्रा कर रहे थे। नथिंग द पाइल रिमिनिसेंस ऑफ द डे दैट स्टिल लिंगरिंग सॉरी दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई। तो कह रहे हैं कि जो दिन के समय की जो छोटी छोटी घटनाएं थीं वो अभी भी दिन की जो चीज़ें उन्होंने देखा था वो धुंधली चीज़ें अभी भी उत्तरी आकाश में उनको दिख रही थी। क्रॉस द कैरिज उन्होंने रेल के डब्बे को एक साइड से दूसरे साइड तक गए मतलब उसको क्रॉस किए। लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो दूसरे खिड़की पर जाकर उन्होंने बाहर देखा। लिट अ सिगरेट उन्होंने एक अपनी सिगरेट जलाई। सेट डाउन फिर बैठ गए सीट पे एंड बिगिन टू रीड अगेन और पुनः न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिए। तो लेखक कह रहे हैं कि मैंने कुछ खास नहीं किया उस दिन क्योंकि मेरे मन में ये सारी बातें आई नहीं जो इन्होंने पहले बताया कि एक अकेले यात्रा करते समय कोई क्या क्या कर सकता है। तो कह रहे हैं कि मैंने जो भी किया बहुत सिंपल किया, इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने सीट से खड़े हुए हाथ पैर को थोड़ा सा फैलाए, एक साइड से दूसरे साइड तक ट्रेन के डब्बे में गए, उधर खिड़की से बाहर झांक करके उन्होंने कुछ देखा। उन्होंने देखा कि शांत रात में जो कि बिल्कुल शांत रात थी और दिन की जो इनकी यादें थीं उस सब की वो धुंधली यादें एक विजन उनको बाहर बनता हुआ दिखाई दे रहा था। और फिर ये वापस आए अपनी सीट पर बैठ गए, सिगरेट जलाए, सिगरेट पीने शुरू कर दिए और न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किए। इट वॉज देन डैट आई बिकम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर और यह वही समय था जब मैं अपने फेलो ट्रेवलर से अपने सहयात्री से अवेयर हुआ, जब मुझे पता चला कि मेरा कोई सहयात्री भी है। ही केम एंड सेट ऑन माई नोज वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निप्पी इंटरपिट इंसेक्ट दैट वी कॉल वैग्यूली मॉस्किटो। अब जो इनका फेलो ट्रेवलर था वो कौन था? दोज विंगी, विंगी का मतलब पंखों वाला, निप्पी, निप्पी मीन्स तेज तरार, तेज, इंटरपिट, इंटरपिट मीन्स होता है धूर्त इंसेक्ट दैट वी कॉल रेगुलरली ए मॉस्किटो जिसको हम आम भाषा में मॉस्किटो कहते हैं। कह रहे हैं कि जब वो आकर दोबारा न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किए तब इनको पता चला कि इनका कोई फेलो ट्रेवलर भी है, इनके साथ यात्रा करने वाला उस ट्रेन में कोई और भी है और जो इनका सहयात्री था वह आया और इनकी नाक पर बैठ गया। उठा क्या ही वॉज वन ऑफ विंगी निप्पी इंटरपिट इंसेक्ट वह एक पंख वाला तेज और धूर्त कीट पतंगा था जिसको हम अपनी भाषा में मॉस्किटो कहते हैं, मच्छर कहते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज मैंने उसको अपनी नाक से उड़ा दिया। एंड ही मेड अ टूर ऑफ कंपार्टमेंट इन्वेस्टिगेटेड इट्स थ्री डायमेंशंस और वह उड़ा, उड़ने के बाद क्या किया? मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट वह ट्रेन के जो डब्बा था जिसमें लेखक बैठे थे उसका एक चक्कर लगाया, उसका एक टूर लगाया। टूर का मतलब है चक्कर लगाने से, राउंड करने से। इन्वेस्टिगेटेड इट्स थ्री डायमेंशन उसने ट्रेन के डब्बे के तीनों डायमेंशन का, थ्री डायमेंशन मीन्स लेंथ ब्रिथ एंड हाइट, आप मैथ में भी पढ़े होंगे टू डायमेंशनल फिगर एंड थ्री डायमेंशनल फिगर। टू डायमेंशन में लेंथ और ब्रिथ है, थ्री डायमेंशन मीन्स लेंथ ब्रिथ एंड हाइट। तो ट्रेन का जो डब्बा होता है वो क्यूबाइडल फॉर्म में होता है। तो यहाँ लेखक वही कह रहे हैं कि उसने ट्रेन का एक चक्कर लगाया और डब्बे की जो तीनों बीमाएं होती हैं, तीनों बीमाएं का मतलब लेंथ ब्रिथ एंड हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों का उसने परीक्षण किया, इन्वेस्टिगेट किया। विजिटेड ईच विंडो हर एक खिड़की पर उसने विजिट किया, सभी खिड़कियों पर गया। फ्लटर्ड अराउंड द लाइट, लाइट के चारों ओर फड़फड़ाया। डिसाइडेड दैट देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज द लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर
तो सब कुछ चेक करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसने डिसाइड किया कि यह जो विशाल जानवर कोने में बैठा हुआ है, इससे ज़्यादा इंटरेस्टेड कोई भी चीज़ इस डब्बे में नहीं है। केम एंड हैड अ लुक एट माई नेक, और वह आया और मेरे गर्दन का निरीक्षण किया। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसको दोबारा उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, टुक अनदर राउंड द कंपार्टमेंट, वह स्किप कर गया, उछल करके वहाँ से भाग गया। टुक अनदर राउंड द कंपार्टमेंट, उसने रेल के डब्बे का एक और चक्कर लगाया। एक बार पहले लगा चुका था, दोबारा फिर उसने एक चक्कर लगाया। रिटर्न एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्यूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, और वह चक्कर लगा के आया तो बहुत ही इम्प्यूडेंटली, बहुत ही धृष्टतापूर्वक वह मेरे हाथ के पीछे आकर के बैठ गया। वापस आया तो बहुत ही धृष्टतापूर्वक मेरे हाथ के पीछे आकर के बैठ गया। इट इज़ एनफ, मैंने कहा अब बहुत हो चुका। आई सेड मैग्नेनिमिटी हैज इट्स लिमिट, तो लेखक कह रहे हैं कि जब दोबारा आकर बैठा तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि अब बहुत हो चुका है और उदारता की भी एक सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वॉर्न्ड, और लेखक कह रहे हैं कि मैंने दो बार तुम्हें चेतावनी दे चुका हूँ। ट्वाइस यू हैव बीन वॉर्न्ड, दो बार चेतावनी दी जा चुकी है। आई एम समवन इन पर्टिकुलर दैट माई अगस्ट पर्सन रिसेंट द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, तो लेखक कह रहे हैं कि मेरा जो व्यक्तित्व है वह एक विशिष्ट व्यक्तित्व है और जो होता क्या है, अगस्त पर्सन रिसेंट द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर, तो लेखक कह रहे हैं कि अगर कोई अजनबी व्यक्ति, अनजान लोग चिढ़ाते हैं, तो लेखक कह रहे हैं कि मेरा जो व्यक्तित्व है वो विशिष्ट है, अनजान लोगों के चिढ़ाने से या अनजान लोगों के गुदगुदाने से अगर गुदगुदाने की या उसको चिढ़ाने की अभद्रता करते हैं तो इस पे इनका जो चरित्र है, जिस तरह का इनका नेचर है, वो उसका विरोध करता है, उस पे रोष प्रकट करता है। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, लेखक कह रहे हैं कि मैं अब एक जज की भूमिका में आ रहा हूँ, तो इसलिए इन्होंने लिखा है कि आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं अब काली टोपी धारण करता हूँ, मतलब मैं अब जज बन रहा हूँ, अपने आप को एज अ जज ए मान रहे हैं। आई कंडेम्ड यू टू डेथ, और मैं तुम्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाता हूँ। जस्टिस डिमांड इट, न्याय की यही मांग है। एंड द कोर्ट अवार्ड इट, और जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, वो वही सजा सुनाता है। तो जब मच्छर आके हाथ पे बैठता है धृष्टतापूर्वक, तो लेखक कहते हैं कि मेरा जो व्यक्तित्व है और मेरे व्यक्तित्व की जो विशेषता है वो अनजान लोगों के चिढ़ाने से और उनकी अभद्रता पर रोष प्रकट करती है, इसलिए मैं न्यायाधीश का पद ग्रहण करता हूँ। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं न्यायाधीश का पद ग्रहण करता हूँ। कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्यु की सजा सुनाता हूँ, मृत्युदंड की सजा देता हूँ। यही न्याय की मांग है और कोर्ट उसी चीज़ को सजा सुना रही है। द काउंट अगेंस्ट यू आर मैनी, तो लेखक कह रहे हैं कि द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे आरोप हैं। अब आरोप कौन कौन से हैं, यू आर अ वैग्रेंट, लेखक कह रहे हैं तुम एक घुमक्कड़ हो। यू आर पब्लिक नॉनसेंस, तुम आम आदमी को कष्ट पहुंचाने वाले हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, तुम बिना टिकट यात्रा भी कर रहे हो। हैव नो मीट कूपन, और तुम्हारे पास जो उस समय एक स्पेशल आइडेंटिटी थी ब्रिटेन के लोगों के लिए, जो मीट कूपन था, एक राशन कार्ड की तरह लोगों को मिला हुआ था, लेखक कह रहे हैं कि तुम्हारे पास वह राशन कार्ड भी नहीं है। तो लेखक कह रहे हैं कि तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे आरोप हैं। पहला आरोप वो लगा रहे हैं, यू आर वैग्रेंट, तुम एक
घुमक्कड़ हो, तुम एक आवारा किस्म के हो, यू आर पब्लिक नॉनसेंस, तुम आम आदमी को कष्ट पहुंचाने वाले हो, यू आर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो, यू हैव नो मीट कूपन, और तुम्हारे पास राशन कार्ड भी नहीं है, तुम्हारे पास मीट कूपन भी नहीं है। तो इतने सारे आरोप हैं और इन्हीं सारे आरोपों की वजह से तुम्हें मृत्युदंड की सजा मैं सुना रहा हूँ। फॉर दिस एंड मेनी अदर मिस डेमिनोस यू आर अबाउट टू डाई। तो लेखक कह रहे हैं कि ये सारे अपराध जो इन्होंने अभी गिना दिया, और कह रहे हैं कि बहुत और भी दूसरे बहुत सारे गैर कानूनी कामों के लिए, मिस डेमिनोस के लिए, दूसरे भी बहुत सारे अपराधों के लिए यू आर अबाउट टू डाई, तुम अब मरने वाले हो। आई स्टक अ स्विफ्ट एंड लीथल ब्लो विथ माई राइट हैंड। तो लेखक बहुत ही तेजी से अपने दाहिने हाथ से घातक प्रहार करते हैं, तेजी से दाहिने हाथ से मच्छर के ऊपर एक घातक और बहुत ही स्विफ्ट, स्विफ्ट का मतलब बहुत ही तेजी से उसके ऊपर प्रहार करते हैं। ही डॉज द अटैक विथ एन आइसोलेंट इजी दैट ह्यूमिलेटेड मी। तो लेखक कह रहे हैं कि मच्छर अपने आप को इतनी आसानी से उछल करके बचा लिया जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ा। वह दृष्टापूर्वक, वह बहुत ही दृढ़तापूर्वक जब मच्छर के ऊपर प्रहार किए तो उनके प्रहार से मच्छर आसानी से इस प्रकार बचा कि लेखक कह रहे हैं कि मैंने अपमानित महसूस किया, माय पर्सनल वैनिटी वाज अराउज्ड। तो जो मेरी पर्सनल वैनिटी थी, जो मेरा घमंड था, वह जाग उठा। तो जब घमंड जाग उठा तो क्या हुआ, आई लॉन्ग्ड एट हिम विथ माई पेपर जम्प्ड ऑन द सीट एंड परसूड हिम राउंड द लैंप। जैसे इनकी पर्सनल वैनिटी अराउज होती है तो ये अपने हाथ से जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे उस न्यूज़पेपर से और उस पर झपट पड़े, लैंप के चारों ओर भी उसका पीछा किए, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाए। आई अडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलाइन कनिंग। तो लेकर कह रहे हैं कि जब पेपर लेकर के उसके ऊपर झपट पड़े, हाथ से उसके ऊपर झपट पड़े, लैंप के चारों ओर घूम रहा था, उसके पीछे पीछे दौड़ाए, उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो इन्होंने टैक्टिक्स अपनाई जो फेलाइन कनिंग है, बिल्लियों जैसी चालाकी अब इन्होंने अपनाया। तो बिल्लियों जैसी चालाकी क्या है, बिल्ली अपना शिकार कैसे करती है, वह दौड़ा के शिकार को नहीं पकड़ सकती, इसलिए वह बहुत ही शांत होकर के चुपचाप चुपके से एक जगह दुबक के बैठ जाती है और वह वेट करती है कि शिकार उसके रेंज में आए, तब वह तेज़ी से झपट्टा मारती है उस शिकार पे और उसको दबोच लेती है। तो वही यहाँ लेखक भी कह रहे हैं कि आई अडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलाइन कनिंग, मैंने बिल्लियों वाली चालाकी भी अपनाई। कैसे अपनाए, वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, तब तक इन्होंने इंतज़ार किया कि जब तक कि मच्छर जो ऊपर उड़ रहा था नीचे ना आ जाए, नीचे ना उतर आए। अप्रोचिंग विथ ए हॉरिबल स्टेल्थीनेस, स्ट्राइकिंग विथ अ सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस। तो वही जैसे बिल्ली करती है उसी तरह से इन्होंने कहा कि मैंने बिल्लियों जैसी चालाकीपूर्ण चाल भी अपनाई, जब तक वह नीचे ना उतरे उसकी प्रतीक्षा इन्होंने किया और उसके बाद भयानक रूप से परंतु धीरे धीरे उसके पास गए और अचानक उस पर घातक प्रहार किया, ठीक उसी तरह से जैसे बिल्ली अपने शिकार के ऊपर घातक प्रहार करती है, तब करती है जब उसके रेंज में आ जाता है। इट वॉज ऑल इन वेन, लेकर कह रहे हैं लेकिन ये सारी चीज़ें व्यर्थ हुई, ऐसा फेलाइन कनिंग अपनाने से भी इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फिर भी वो मच्छर को नहीं मार पाए। तो चलिए हम इसके बाद से अब सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।